नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक तथा सांविधिक संस्थाओं के अंतर्गत मानव अधिकार आयोग। आज के वीडियो में हम देखेंगे मानव अधिकार आयोग पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आयोग से जुड़े हुए अन्य वीडियो भी हमने हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग निम्न में से किस प्रकार की संस्था है? सांविधिक, संवैधानिक, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है वो सांविधिक संस्था है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई है? 10 अक्टूबर 1993 को, 12 अक्टूबर 1993 को, 14 दिसंबर 1993 या 16 दिसंबर 1993? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जो स्थापना की गई है वो की गई है 12 अक्टूबर 1993 को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितने मानव अधिकारों को अपनाया था? 10, 20, 30 या 40? 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों को अपनाया गया था, उनकी संख्या थी 30। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? जस्टिस A.S. आनंद, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, जस्टिस एस राजेंद्र बाबू या जस्टिस K.G. बालकृष्ण? तो इनका जो सही आंसर है वो है जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश हो, सर्वोच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति या किसी भी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो इसका जो सही आंसर है वो है सर्वोच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, जिन्हें कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में सत्य है? इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों में आयोग को सजा देने का अधिकार नहीं है। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भेजता है या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी, यह सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कितने सदस्यीय समिति द्वारा की जाती है? 2, 4, 6 या 8? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 6 सदस्यों द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति करती है समिति वो 6 सदस्य होती है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो, 5 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष या 5 वर्ष या 70 वर्ष? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो कार्यकाल है, अध्यक्ष का कार्यकाल, वो होता है 5 वर्ष का या 70 वर्ष की आयु। निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के लिए गठित समिति के अध्यक्ष होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या मुख्य विपक्षी दल के नेता? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के लिए जो गठित समिति होती है उसके अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए गठित समिति में शामिल नहीं है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या मुख्य विपक्षी दल के नेता? इसका जो आंसर है वो है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद के लिए गठित समिति में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए गठित समिति में शामिल नहीं होते राज्यसभा का सभापति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा में विपक्ष दल का नेता? तो इसका जो सही आंसर है वो है राष्ट्र राज्यसभा का सभापति, ये इस समिति में शामिल नहीं होता। निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए गठित समिति में शामिल होता है? उपसभापति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या उपरोक्त सभी? तो ये सभी
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए गठित समिति में शामिल होते हैं उपसभापति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा किया जाने वाला कार्य है? कोर्ट में लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित कार्रवाई में हस्तक्षेप करना, कैदियों के मानवाधिकार की रक्षा करना, मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देना या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी, जिसके अंतर्गत कोर्ट में लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित कार्रवाई में हस्तक्षेप करना शामिल है, कैदियों के मानवाधिकारों की रक्षा करना भी इसके अंतर्गत शामिल है और मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देना भी इनका कार्य है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद या कलकत्ता? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है उसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में किस वर्ष परिवर्तन किया गया है? 2006, वर्ष 2019, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम जो है उसमें 2006 और 2009 दोनों ही वर्षों में परिवर्तन किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त दोनों। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगर आपको चैनल पे हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में कब परिवर्तन किया गया? वर्ष 2001, वर्ष 2002, वर्ष 2006 या 2012? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में प्रथम परिवर्तन जो किया गया था वो किया गया था वर्ष 2006 में और इसके बाद 2019 में भी इसमें परिवर्तन किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल निम्न में से कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 या 6 वर्ष? तो राज्य मानवाधिकार आयोग जो है उसके अध्यक्ष एवं सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है 3 वर्ष का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने की बहुत ही अधिक संभावना है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 12 दिसंबर, 14 दिसंबर या 16 दिसंबर? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन से ये तो साबित होता है कि ये दिसंबर में मनाया जाता है, लेकिन किस तिथि को मनाया जाता है ये हम बताते हैं, 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो मनाते हैं वो मनाते हैं 10 दिसंबर को। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या होती है? राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या होती है 4। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। राज्य मानवाधिकार आयोग को किस सूची में मामलों पर सुनवाई करने का अधिकार है? राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, उपरोक्त दोनों में या इनमें से कोई नहीं? तो राज्य मानवाधिकार आयोग जो है वो राज्य सूची और समवर्ती सूची दोनों ही की सुनवाई करने का अधिकार उन्हें प्राप्त है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त दोनों। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्न में से किस मामले की जांच कर सकता है? अब हम राष्ट्रीय मानवाधिकार के बारे में देख रहे हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्न में से किस मामले की जांच कर सकता है? ऐसा मामला जो कि 6 माह से कम का समय में घटित हुआ हो, ऐसे मामले जिनको घटित हुए 1 वर्ष से कम वर्ष का समय हुआ हो, ऐसे मामले जिनको घटित हुए 2 वर्ष से कम ज़्यादा का समय नहीं हुआ हो या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो ऐसे मामले जिनको घटित हुए 1 वर्ष से कम का समय हुआ हो की जांच कर सकता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति का सदस्य निम्न में से कौन होता है? मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विपक्ष का नेता या उपरोक्त सभी? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति का सदस्य जो होता है वो ये सभी होते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और विपक्ष के नेता, ये सभी समिति में शामिल होते हैं। मानवाधिकार अधिनियम 1993 को निम्न में से कितने अध्यायों और धाराओं में विभक्त किया गया है? अध्याय 7 और धाराएं उसमें 40 हैं, अध्याय 8 हैं और धाराएं 43 हैं, या अध्याय 7 हैं और धाराएं 43 हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो मानवाधिकार अधिनियम 1993 जो है वो 8 अध्यायों और 43 धाराओं में विभाजित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 8 अध्याय और 43 धाराएं।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 2019 के अनुसार आयोग के अतिरिक्त 5 विशिष्ट विभाग में शामिल कौन कौन से हैं? विधि विभाग, जांच विभाग, नीति अनुसंधान विभाग इसमें शामिल हैं या नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो है उपरोक्त सभी। विधि विभाग भी इसमें शामिल है, जांच विभाग भी शामिल है और नीति अनुसंधान विभाग भी इसमें शामिल है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 2019 के अनुसार आयोग के अतिरिक्त 5 विशिष्ट विभाग भी इसमें शामिल किए गए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्न में से मामलों में से शिकायत की जांच कर सकता है, स्वप्रेरणा से, पीड़ित पक्ष की शिकायत पर या किसी तीसरे पक्ष की शिकायत पर या उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वह स्वप्रेरणा से, पीड़ित पक्ष की शिकायत पर या किसी तीसरे पक्ष की शिकायत पर भी जांच कर सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो इसका जो सही आंसर है वो है राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष के अलावा सदस्य होते हैं 2 और अध्यक्ष समेत कुल हो जाते हैं 3। राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री या वित्त मंत्री? तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो नियुक्ति की जाती है वो की जाती है राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में शामिल है? राष्ट्रीय महिला आयोग एवं बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष या उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में उपरोक्त सभी शामिल हैं, जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग एवं बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष शामिल होते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अध्यक्ष शामिल होते हैं और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भी इसमें शामिल होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को निम्न में से कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है? दीवानी न्यायालय की, जाँच करने की शक्ति, रिकॉर्ड मांगने की शक्ति या उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है उन्हें ये सभी प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त है, जिसके अंतर्गत वो दीवानी न्यायालय, जांच करने की शक्ति और रिकॉर्ड मांगने की शक्ति इसमें शामिल है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। वर्ष 2019 के संशोधन के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? 7, 9, 11 या 12? तो इसका जो सही आंसर है वो है कुल सदस्य होते हैं 13, जिसमें 12 सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है 4। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की दशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए आदेशित करने की शक्ति किसके पास है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है राज्यपाल। राज्यपाल ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन निम्न में से किसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या राज्य सरकार? तो राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो है वो राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, राज्य सरकार। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई ऐसा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।